हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं ये पाइथन का एक प्रोग्राम हमारे पास है। मैं आपको दिखाता हूं ये प्रोग्राम क्या है। ये देखिए, ये वो प्रोग्राम है। यहां पर टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल है और इसमें पाइथन प्रोग्राम एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया गया है। अब ये कैसे पता कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल डॉटेड कॉमा में यहां पर लिखा गया है और यहां पर एक फंक्शन यूज किया गया है रिप्लेस। तो देख सकते हैं टेक्स्ट में रिप्लेस करवाया जा रहा है पीवाई की जगह हैश को, ठीक है। अब जरा देखिए पीवाई एक यहां पर आया हुआ है, तो यानी इसके जगह हैश आ जाएगा। और भी कहीं पीवाई आया हुआ है क्या, चेक करना होगा कि और भी कहीं अगर पीवाई आया होगा तो उसके जगह भी क्या होगा, यही हैश सिंबल आ जाएगा। तो और तो कहीं पीवाई आया नहीं हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पहला वाला विकल्प, तो हैश के बाद टी एच ओ एन और फिर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये पहला वाला विकल्प करेक्ट होना चाहिए। तो आइए इसको हम प्रोग्राम में चला के देखेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं वीएस कोड ओपन करता हूं और इस पर हम लोग चला के इसको देखेंगे कि क्या आउटपुट हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दो नंबर में पूछा गया है, पाइथन बोर्ड एग्जाम में जो है दो नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम लोग चला के देखते हैं। यहां से न्यू फाइल में ले लेता हूं और यहां पर जो है इसे इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं। अब ये भी पेस्ट हो गया है, साथ में इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर टेक्स्ट को प्रिंट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो पीवाई को रिप्लेस करके ये वाला ऑप्शन आएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर हम इसको चलाते हैं तो सबसे पहले सेव करने की जरूरत है, तो यहां पर न्यू के नाम से सेव कर देता हूं और एंटर कर देता हूं। तो यहां पर जब इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो ऑप्शन में दिया गया है वही करेक्ट आउटपुट हमारे सामने आ गया है, देख सकते हैं ना। तो रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ और देने का कार्य करता है। आप उस प्रोग्राम को फिर से देखिए, ये प्रोग्राम था हमारा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट था, आपने देखा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसके जगह रिप्लेस यहां यूज किया गया था, तो रिप्लेस का अर्थ यह होता है कि हटा करके उसके जगह कुछ और लेके आना। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और आपका आउटपुट भी एकदम करेक्ट यही आया हुआ है, हैश आ गया है पीवाई की जगह और बाकी तो चीजें वैसे ही लिखी हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि कैसे आउटपुट आपको निकालना है ये आपको पता चला होगा, ठीक है ना।